नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और वीडियो में मैं मुकेश मेनारिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग आज एक स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आने वाले कुछ टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो आने वाले कुछ दिनों में हम एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न्स देखे जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स में आप लोग के साथ आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक, अभी ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट स्टॉक्स मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके आप लोग के साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, अभी इतनी फॉल डाउन हो चुका मार्केट और हमें यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट जो चल रहा है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक आप लोग को बहुत ही जल्दी मिलेंगे नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारे चार्ट देखे, उसके बाद में ये स्टॉक्स मुझे मिला है। तो यहाँ पे मुझे इस स्टॉक्स में कुछ खास लगा है, लॉजिक क्या है, ये स्टॉक्स में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हम लोग मेरा व्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो वो वीडियो आप लोग एंड तक आराम से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों, इस स्टॉक्स में हम लोग इसके लेवल जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे हमें बाइंग करनी है, क्या टारगेट्स होंगे और क्या स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड टेक्निकल चार्ट पैटर्न टेक्निकल कैंडलस्टिक ये सारे वीडियो आप लोग को इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहे हैं, इसमें मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें बाय एंड सेल करो या इन्वेस्टमेंट करो। अगर करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा कौन सा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स है। उससे पहले दोस्तों, हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीकली निफ्टी का वीकली चार्ट है और यहाँ पे देखिए क्लियर कट यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट में। तो दोस्तों, अगर ये कंटिन्यू इस कैंडल के नीचे यानी कि 15,000 के नीचे या जाता है तो फिर इसका जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 14,400 के आसपास ये जा सकता है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो यहाँ तक ये जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो अगर इस वो यहाँ सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से पुल बैक कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर इसको इस कैंडल को रिजेक्ट करना है, अगर इसको डाउन साइड में नहीं जाना है तो यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल बनता है। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ये अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन में हमें दो ब्रेक रेड कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग उसमें कंफर्म समझेंगे कि ये ब्रेकडाउन सही है, ठीक है। अगर लॉन्ग के लिए हम लोग सोचें दोस्तों, लॉन्ग के लिए अभी इसको 16,200 के ऊपर निकलना होगा तभी जाके हम लोग इसमें लॉन्ग की पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। तो ये हम क्लियर कट दिख रहा है कि डाउन साइड में 14,000 के लेवल तक ये जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी से ज्यादा ये बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा स्ट्रोंग लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, ये भी एक अच्छा सपोर्ट के आसपास है। अगर ये इसको यहाँ से पुल बैक करता है तो यहाँ पे एक नेक्स्ट वीक में यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ से अब ये रिवर्स होता है। तो रिवर्स होने के लिए निफ्टी का बैंक निफ्टी दोनों का सपोर्ट होना जरूरी है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक ऊपर के लिए हमें दोस्तों, अभी मैंने बैंक निफ्टी में लॉन्ग व्यू के लिए हम लोग जब भी 33,000 के ऊपर ये निकलता है इस कैंडल के हाई के ऊपर तभी हम लोग इसमें सोच सकते हैं अब ये यहाँ से लॉन्ग जा सकता है। तो ये अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो और भी डाउन जा सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट लेवल 30,600 तक ये एक अच्छा सपोर्ट इसको मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास ये जा सकता है क्योंकि अभी ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक मुझे लगता नहीं है कि ब्रेक करेगा, लेकिन आपको और मेरे को लगता है वैसा नहीं। स्टॉक और मार्केट दोनों, मार्केट स्टॉक मार्केट हमें कुछ कुछ हमें सिखाता है, हम मार्केट को नहीं सिखा सकते। जैसे कि जो प्राइस एक्शन में दिखता है वो हम लोग यहाँ पे हम लोग व्यू बनाते हैं, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो आपके और मेरे कहने से नहीं होगा, जैसे ही यहाँ पे प्राइजेक्शन बनता है उस हिसाब से हम लोग रिसर्च करते हैं। तो हम आई होप कि यहाँ से रिवर्स हो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स है अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक्स में काफ़ी बहुत ही अच्छी खरीदारी दिखी है इस गिरते हुए बाजार में, और बहुत ही स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक्स मुझे, क्योंकि इतनी बाइंग इस स्टॉक्स में इतने गिरते हुए बाजार में मुझे दिख रही है। क्योंकि लास्ट देखिए अपर इंडस्ट्री में आप लोग देख सकते हो, लास्ट फ्राइडे को, लास्ट वीक कहो तो आप इसमें 15,915 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और इसमें लास्ट फ्राइडे को इसमें 7% की तेजी इसमें देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो 7% से भी ज़्यादा इसमें तेजी आई है, और काफ़ी अच्छा इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला मुझे, और वो भी कप विथ हैंडल पैटर्न। दोस्तों इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसने जो क्लोजिंग दी है 915 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और इसकी ओपन एंड हाई लो की बात करें तो दोस्तों ऑल टाइम जो 52 वीक हाई है वो 936 है, और लो की बात करें तो 500 के आसपास इसने लो लगाया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके चार्ट के ऊपर और देखते हैं इसमें क्या ब्रेकआउट आया और किस लेवल के हम बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है चार्ट अपर इंडस्ट्री लिमिटेड का वीकली चार्ट, क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट को रिसर्च कर रहे हैं, तो वीकली का चार्ट यहाँ पे मैंने आपको पहले ही लगा लिया है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। दोस्तों इसमें अपर इंडस्ट्री लिमिटेड में देखिए आप, स्टॉक्स ने 2017 के बाद में स्टॉक्स ने अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे 2017 में देखिए इस बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन किया है प्राइस ने, और एक बार फिर यहाँ पे 3 बार इसे स्टॉक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, और इसके आसपास देखिए रेजिस्टेंस के आसपास इसने एक अच्छा प्राइजेक्शन बनाया, यानी कि एक कंसोलिडेशन किया कि इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर की साइड, और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड चालू हुआ कंटिन्यू। उसके बाद में दोस्तों इसमें एक देखिए यहाँ पे क्लियर कट एक मुझे कप विथ हैंडल पैटर्न्स देखिए दोस्तों, कप विथ हैंडल पैटर्न्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ के इसमें देखिए यहाँ पे भी 2022 में एक अच्छा ब्रेकआउट करने की यहाँ पे ट्राई किए, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अब जाके यहाँ पे देखिए क्लियर कट एक अच्छा ब्रेकआउट, और वॉल्यूम के साथ में देखिए आप वॉल्यूम की कैंडल और यहाँ की कैंडल दोनों को साथ में आप देखिए, जबरदस्त इसमें ब्रेकआउट आया और यहाँ पे जबा के यहाँ पे बाइंग हो रही है। अब जाके दोस्तों इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये कप विथ हैंडल पैटर्न दोस्तों इसको बनने में 5 से 7 साल लगते हैं, वीकली चार्ट में हम लोग बोले तो 5 से 7 साल, जो कि इसका प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन दोनों ही पूरी हो चुकी है। अब ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, इसमें एक अच्छा रैली आने वाली है। इस स्टॉक को आप जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और इसके ऊपर अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और इसकी दोस्तों अभी मैं टारगेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इसका हाई के ऊपर 920 के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, और दोस्तों टारगेट्स रखना है आपको 1500 का टारगेट रखना है फाइनल टारगेट से। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 1100 का, सेकंड टारगेट है 1250, और थर्ड जो टारगेट रहेगा हमारा 1500 का टारगेट रहेगा। और दोस्तों ये 5 से 8 महीने में ये स्टॉक्स यहाँ तक ये टारगेट्स मुझे अचीव करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करें यहाँ पे तो हम लोग जो स्विंग ट्रेडर हैं उनका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो है, हम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इस कैंडल का लो, अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तो आपका 850 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा 850 का। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो दोस्तों आप इस ये स्विंग लो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो आगे कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पे आप ये स्विंग लो स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया स्टॉप लॉस और टारगेट्स। दोस्तों अगर आपको थोड़ा रिस्क यहाँ पे 5 से 10% भी अगर डाउन साइड में आता है स्टॉक, तो इतना आपको पेशेंट रख सकते हो तो यहाँ पे बाइंग करें, अदरवाइज आप यहाँ पे एक बार रिटेस होके स्टॉक फिर ऊपर जा रहे हैं
तो यहाँ पे रिटेस्ट होता है तभी भी आप बाइंग यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, तभी आपका थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। तो आप जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हो, मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस स्टॉक के बारे में कोई भी कमेंट करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए, मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और भी कोई स्टॉक्स के आप लेवल जानना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई करूंगा। दोस्तों ये व्यू मेरी थी, मेरी एनालिसिस थी, मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं कि स्टॉक्स ऐसे ही चले, क्योंकि मार्केट में ऐसी गिरावट आई है। जो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट रीड करके आप लोग को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों वहां पे मैं लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे लेवल, निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के चार्ट भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहां से आप भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो और काफी लर्निंग आपको वहां से मिल सकती है। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।